छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसूनी गतिविधियां आज देखने को मिली है। शाम होते ही राजधानी रायपुर समेत आसपास के जिलों में बारिश होने लगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर पूर्वानुमान भी जारी किया था। दरअसल झारखंड में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और एक द्रोणिका झारखंड की ओर जा रही है, जिससे उत्तरी छत्तीसगढ़ में अभी और बारिश की संभावना बनी हुई है। सरगुजा और बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में भारी वर्षा की संभावना बनी है। वहीं रायपुर संभाग के एक दो स्थान में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम केंद्र ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। अब वहीं यह हफ्ता मानसून का आखिरी सप्ताह माना जा रहा है। वहीं इस नए सिस्टम के बनने से मानसून की एक्टिविटी दिखाई दे सकती है। मौसम विशेषज्ञ एस के अवस्थी के मुताबिक उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में आने वाले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। इसके बाद फिर से तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रदेश के बाकी हिस्सों में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सोमवार को बारिश से सबसे ज्यादा बिलासपुर संभाग प्रभावित रहा है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के रायगढ़, जांजगीर, बलौदाबाजार जिले में 3 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, पेंड्रा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और रायपुर के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसको लेकर मौसम विभाग ने सूचना दी है। वहीं मौसम वैज्ञानिक एस के अवस्थी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है झारखंड के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और एक द्रोणिका भी है उसी दिशा से जो उत्तर प्रदेश की ओर जा रही है, जिसके कारण अपने उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मानसून का जो है वो अभी तक का जो है सामान्य रहा है, ज़्यादा डिफिशेंसी नहीं हुई है। लास्ट जो सितंबर में मानसून का पीरियड होता है वो एंडिंग पीरियड माना जाता है, जिसमें जो है सिर्फ -8% की डिफिशेंसी दिखाई है पूरे छत्तीसगढ़ में। कल जो है जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में आज मतलब सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में जो है भारी वर्षा होगी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी।